दिवाली में सिर्फ पटाखे का यूज हो, सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए हो, तो एक अपील आपके माध्यम से। लेकिन ये सबको जानना चाहिए कि धरती हमारी माँ है और वायु प्रदूषण की समस्या आप दिल्ली में देख चुके हैं, पटना में देख चुके हैं तो कितनी गंभीर हो चुकी है, लोगों को सांस लेना मुश्किल है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि फसल का जो अवशेष पराली है उसको न जलाएं और साथ ही साथ जो पटाखे हैं सीमित मात्रा में उपयोग करें और अधिकाधिक ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, एक समय सीमा के बाद पटाखों का उपयोग न करें। पटाखे हमारे जो सनातन संस्कृति में है नहीं, पटाखे बाद में आए हैं, ये हमारी संस्कृति दिया जलाने की संस्कृति है, इसलिए इसका नाम दीपावली है, इसका नाम दिवाली है। तो हम दीपावली को पारंपरिक रूप से जो श्री राम वनवास के बाद अयोध्या रहते थे उस दिन हम अपने हर्षोल्लास में दिवाली मनाते हैं। सबसे ये अनुरोध रहेगा कि हर्षोल्लास मनाएं, अपने मन मंदिर में राम का प्रवेश के लिए आह्लादित हो और पर्यावरण के प्रति सभी लोग लखीसराय जिला में विशेष तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, बधाई देना चाहेंगे। और आगामी 1 दिसंबर को सरदार पटेल के जीवन वृत्ति पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, क्लास 6 से 8 के बच्चे, 9 से 12 के बच्चे और ग्रेजुएशन के बच्चे और आम नागरिक भी उसमें भाग ले सकते हैं। और उस प्रश्नोत्तरी में जीतने वाले 15 लोगों को हम लोग पटेल सेवा संघ की तरफ से सरदार सरोवर बांध जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ के भ्रमण के लिए प्रस्ताव हम दे रहे हैं। उन लोगों को जाना चाहें तो खर्च करेंगे, उनको भेजेंगे ताकि वो लोग वहाँ के संदेश ग्रहण करें सरदार पटेल के जीवन से और लखीसराय वापस आए, लखीसराय के लोगों को भी प्रेरित करें कि सरदार पटेल के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। और राष्ट्र प्रथम जो भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसको सर्वोपरि रख के अपने जीवन को उतार सकते हैं। सर एक सवाल होगा कि आपसे पूर्व जीत है, अगले वर्ष भी यही सवाल था लखीसराय के जिलाधिकारी महोदय से और आपसे भी सवाल है कि जब भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किसी भी प्रकार की लोक आस्था का वहाँ पर विचार की बात शुरू हो जाएगा तो निरीक्षण हो या कोई भी सुविधा मुहैया हो वो सिर्फ तो शहरों तक ही सीमित के रह जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता। देखिए सबसे पहली बात है कि जो लोक आस्था का पर्व है छठ, ये लोक आस्था का है, लोग अपने अपने घरों में, अपने सरोवरों में, अपने तालाब में सदियों से इस त्योहार को मनाते आए हैं। सरकार ने भी हम लोग को निर्देश दिया है जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पर्याप्त सुविधाएँ मुहैया कराई कोई अनुभूति नहीं। तो पर्व मनाना समाज और परिवार का काम है, भीड़ प्रबंधन करना और लोगों को सुविधा देना ताकि किसी प्रकार की भगदड़ न हो, किसी प्रकार की अनुभूति न हो, ये प्रशासन का काम है। इस बार हम लोग ने जिला में शांति समिति की बैठक की है और सभी से निरीक्षण करा लिए, अति आवश्यक सुविधा देनी है जो प्रशासन द्वारा चाहिए उस गए हैं, 3-4 दिन उसका निरीक्षण भी कर लेंगे, आप लोग देख लेंगे और जहाँ पर समस्या होगी जिला के कंट्रोल में हम लोग त्वरित आधार पर उसको सुविधा को मुहैया करेंगे। सर सुलहा के शांति समिति की बैठक होती थाना में तो वहाँ सुलहा के थानाध्यक्ष का थोड़ा सा ये हो रहा था कि जो हमको पुलिस लाइन लखीसराय से प्रचुर मात्रा में सैनिक बल उपलब्ध होता है ताकि हम घाटों की सुरक्षा के लिए सैनिक बल कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग खुद वॉलंटियर तैयार करें। देखिए गांव समाज में पर्व होता है, मेरे गांव में भी छठ पूजा का पर्व होता है और मेरे गांव में कोई पुलिस नहीं आती। आप याद कीजिए कि ऐसे 4 साल 5 साल पहले भी छठ पर्व होता था, उस गाँव में कोई पुलिस नहीं आती और पुलिस की सीमा भी एक मर्यादा में है कि संख्या सीमित है। हर घाट पर हम दंडाधिकारी देते हैं, हर घाट पर हम पुलिस देते हैं, तो पुलिस की आवश्यकता क्यों? पुलिस की आवश्यकता तो बदमाश व्यक्ति के लिए है या पुलिस की आवश्यकता पदवी व्यक्ति के लिए। आम जन लोग पूजा करते हैं, वॉलंटियर्स हैं, पूजा समिति है, पूजा समिति के लोग मिलकर समाज के पर्व सब लोग अपनी व्यवस्था करें। जहाँ व्यवस्था में कमी रह जाएगी, जो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम लोग छठ घाट पे अधिक मात्रा में भीड़ छठ बढ़ती होगी भीड़ प्रबंधन के लिए। और अगर लोग अनुशासन में रह के काम करते हैं, आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस नहीं दे सकते, ये सब लोग जानते हैं, हाँ लेकिन चप्पे चप्पे पर अनुशासन हो सकता है और जब नागरिक अनुशासित रहेंगे तो कोई भी भीड़ हो, बहुत बड़ी संख्या हो, हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नागरिक अगर अनुशासित नहीं है तो 5 लोग की भीड़ मतलब होती है, 5 लोग संवेदना रखते हुए पूजा का आयोजन करें। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई आशंका कोई अनहोनी है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है, हमारे दंडाधिकारी आज से सभी जगह तैनात कर दिए गए हैं और जो भी पुलिस बल उपलब्ध है जिला में पूरा का पूरा पुलिस बल लोगों की सेवा में जनता के बीच में रहेगा। हम लोग खुद जनता के बीच में रहेंगे ताकि कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी सूचना आपको मिलती है मीडिया के बंधु और जनप्रतिनिधि कृपया वो सूचना प्रशासन तक पहुँचाएँ ताकि उस पर त्वरित संज्ञान लेकर अधिकारी ने भी लखीसराय के आम आवाम से अपील की